लोग इसकी चिंता ही नहीं करते, विचार ही नहीं करते, ऐसा हमें वास्तव में आत्मानुभूति क्यों नहीं हो रही है, हमें आत्मा में अपनापन क्यों नहीं हो रहा है, हमें ये परद्रव्य का अपनापन क्यों नहीं छूटता, ये अपन गहराई से विचार नहीं करते। क्यों विचार नहीं करते? क्योंकि अपन अपनी जिंदगी में, अपने संयोगों में, अपने कामों में इतने इतने मगरूर हैं, इतने बेहोश हैं, कोई पैसा कमाने में, स्त्री पुत्र आदि के पालने में, पोषने में, रखने में, जोड़ने में, मान आदि प्रतिष्ठा कमाने में, समझे, इतने इतने लगे हुए हैं कि आत्मा की बात भी सुनते रहते हैं, मंदिर भी आते रहते हैं, पूजा पाठ भी करते रहते हैं, स्वाध्याय भी करते रहते हैं, सब चलता रहता है, लेकिन तत्वार्थ भाव भाषण नहीं होता, यथार्थ आत्मा की अनुभूति नहीं होती, तो कोई शांति से बैठ के ये विचार करने को तैयार नहीं है कि ये आत्मानुभूति क्यों नहीं होती। फिर वो आप उसके क्या उत्तर है, जैसे प्रश्न आवे भी तो पूछोगे किससे, है वे सांत्वना देने वालों से पूछ लेते हैं, वो कह देते हैं कि आत्मानुभूति तो भाई साहब अपनी योग्यता से होगी, जब पर्याय अपनी योग्यता से होगी, तुम उसके कर्ता धर्ता हो ही नहीं, ये तो भाई साहब आप तो के साहब मेरे में तो कोई कमी नहीं है, कि नहीं तुम तो वो से बस बात खत्म हो गई, क्योंकि मेरे में कोई कमी नहीं हो, बाकी जो हो सो, ये अपने अंदर रहता है। अपने को ऐसा बहुत लगता है कि हमने सही काम कर दिया, बाकी जो हो सो, कर्म करो और फल की चाह मत करो, वो गीता का सिद्धांत, लेकिन जैन धर्म कहता है कि कर्म करेगा और फल की चाह नहीं करने से फल नहीं जाता, फल तो आएगा, ऐसा थोड़े ही कि कर्म करोगे और फल नहीं आएगा, वो तो 100% आएगा, भले ही कह रहे कि कर्म करो फल की चाह मत करो, तुम्हारी चाय वाय से कुछ नहीं होता है, अगर नमक डालोगे तो खारापन होगा, कि नहीं साहब हम डाल तो देते हैं, बाकी जो होना होगा, कैसे कैसे जो होना, नमक डाला है तो खारा होगा, चीनी डाली है तो मीठा होगा, ऐसा जो होना होगा होगा, क्या होना होगा, अगर आत्मा नहीं जानेगा तो निगो चला जाएगा, ये जो होना है सो होगा का अर्थ ये नहीं होता कि कारण कुछ और कार्य कुछ, सब जीव अब जो होना है वो तो निश्चित है, ऐसा सोच के ऐसा सोचते हैं कि हाँ बस सब सब अपन के हाथ में कुछ नहीं है, अरे नहीं, अगर आत्मा नहीं समझोगे तो नरक में कुछ जाओगे, और आत्मा समझोगे तो मोक्ष जाओगे, कारण के अनुसार कार्य है, हम चाहे जो कारण देवे और कार्य कुछ भी मान लेवे, उपवाई का राज नहीं है, तुम्हारी मान्यता से संसार नहीं चलता, न तुम्हारी मान्यता से मोक्ष चलता है, ये तो आपको निर्णय करना चाहिए कि हम कर क्या रहे। और देखो ये बताने वाले कहने वाले के सम्य दर्शन की पर्याय जवानी होगी तब आएगी, और क्या लेना देना पर्याय के सत्कारक पर्याय में है, तुम करता धरता थोड़े हो, इन बातों से तुम गहरी नींद में सो जाओ और अपने आप को समझदार समझो, तो अभी तुमने सच्चा वस्तु स्वरूप नहीं समझा। और देखो इसकी परीक्षा कैसे करें, अगर तुम्हें इतनी योग्यता पे भरोसा है तो फिर संसार की इतनी चिंता क्यों करता है, जैसे तूने सम्यक दर्शन पर्याय की योग्यता से होगा ये सुनकर सम्यक दर्शन की चिंता छोड़ दी, तो बेटे पुत्र आदि वे भी अपनी योग्यता से परिणमन करेंगे, धन आदि भी अपनी योग्यता से आएगा जाएगा, तो ये बात सुनकर तूने उनकी चिंता क्यों नहीं छोड़ी, तू जब इतने पक्का श्रद्धानी है कि तुझे हमने पर्याय की योग्यता सम्यक दर्शन पर लगा के बताई, बहुत अच्छा अनुभव जब होगा सो होगा, हमें क्या लेना है, तो धनादिक में क्यों नहीं लगाई, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि है नंबर एक का, छल ग्रहण करता है, ये जिनवाणी से जो छल ग्रहण करेगा उसके तो अनंत संसार है भाई साहब, ऐसे है देवेंद्र जी, ऐसे है कि जो मुक्ति के मार्ग में निमित्त हो सकते थे, जो वचन जिन बचसी रमनते स्वयं वो है नष्ट होता है, जो जिन वचनों में रमते हैं
स्वयं बांध मुहा, उनके मुहे न सोता है। जिन बच्चे सीधे बनते स्वयं बांध मुहा, जिन वचनों में रमने वाले का अमृतचंद भगवान कहते हैं कि मुहे का नाश होता है, और तू तो जिन वचनों से ही अपने संसार का पोषण करता है, तू तो क्रमबद्ध पर्याय पर का कर्तृत्व छुड़ाने के लिए समझाई थी, तूने पर का कर्तृत्व तो छोड़ा नहीं, सम्यक दर्शन का कर्तृत्व छोड़ दिया है। पर्याय के षटकारक पर्याय में है। पर्याय अपनी योग्यता से बिलसती है, प्रणमती है। ये तुझे इसलिए समझाया था कि जब तेरी ही पर्याय का कर्ता धर्ता तू नहीं है, तो जगत के अन्य पर पदार्थों का कर्ता धर्ता कैसे हो सकता है, ये तो समझा नहीं। अन्य पदार्थों का तो कर्ता धर्ता बना रहा और पर्याय का भी छोड़ दिया, क्या होगा? इससे पता चलता है, कूडमल जी साहब ने कहा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में शुरू में पढ़ना कि तू मिथ्या दृष्टि है। तो कूडमल जी साहब से प्रश्न किया इसने, आपको कैसे पता कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ? तो कूडमल जी साहब ने देखा तेरी दशा, तेरी हालत देख के समझ में आ जाता है कि तुझे भी भाव भाषण। ऐसे ही अपन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो आत्मार्थी होते हैं, वे वास्तव में एक सेकंड लगता है और अपने से बात करते हैं और वे समझ जाते हैं कि कहाँ खड़ा है। सिर्फ बातें बनाना सीखा है। क्या सीखा है अपन? टोडो मल जी सावधान कर रहे हैं, ये बातें बनाने से काम नहीं चलेगा,